हाँ तो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। आज हमारे सामने किया सोनेट, ये HT के वेरिएंट है, बेस से एक ऊपर वाला। आज हम बात करेंगे इसके इंटीरियर, एक्सटीरियर, इसके प्राइस एंड इसके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले इसके प्राइस की बात की जाए तो इसका एक्चुअल प्राइस है 8,70,000 रुपये और इसका ऑन रोड प्राइस है लगभग 9,40,000 रुपये इन दिल्ली। अभी इस प्राइस पॉइंट पर क्या फीचर्स ऑफर करती है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले कीस की बात की जाए तो आपको यहाँ पे फ्लिप कीस मिल जाएंगी। की के ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाता है किया का लोगो, यहाँ पे क्रोम फिनिश मिल जाती है और दूसरी साइड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे लॉक अनलॉक एंड होल्ड टू बूट अनलॉक के बटन्स। गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लुक देखने को मिल जाता है। ये डिज़ाइन लैंग्वेज आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और एग्रेसिव देखने को मिलेगी। फ्रंट में हेडलैम्प्स की बात करें, हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टिव मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स, पार्किंग लैंप दोनों ही हेलोजन बेस्ड हैं, काफ़ी बढ़िया लगते हैं हेडलैम्प्स भी देखने में। ग्रिल की बात करें, ग्रिल आपको यहाँ पे मैट फिनिश में दी गई है, प्लास्टिक फिनिश है। इसके ऊपर आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा फिनिश, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा प्रीमियमनेस नहीं है ग्रिल में। इसके नीचे आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिल जाती है एंड नीचे आपको यहाँ पे मेन ग्रिल देखने को मिलती है, मतलब जो एयर फ्लो ग्रिल होती है वो फिन्स लाइक स्ट्रक्चर में दी गई है, काफ़ी बढ़िया लग रही है अभी देखने में। इसके नीचे आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिल जाती है, बम्पर के नीचे ये स्किड प्लेट और यहाँ पे आपको क्या नाम फॉग लैंप हाउसिंग मिल जाएगी। इसके साइड में आपको यहाँ पे कटआउट भी दिए गए, मतलब एयर कर्टन्स, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं अभी देखने में। साइड प्रोफाइल की तरह चलें तो साइड प्रोफाइल से भी आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लुक्स देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा ऊँची लगती है ये सोनेट देखने में। साइड में जो इसके फेंडर फ्लेयर्स दिए हैं काफ़ी ज़्यादा बाहर को निकले हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़े, मतलब बड़ी लगती है उसकी वजह से। और अभी व्हील्स की बात करें तो आपको यहाँ पे स्टील मिल जाएंगे विद व्हील कवर्स। इनको कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया कि ये एलॉय व्हील लगे, वेल काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन किया गया इनको। और ये सिल्वर फिनिश में मिल जाते हैं आपको व्हील कवर्स। इसका साइज़ मिल जाएगा आपको यहाँ पे 215/60 16 इंचेस के मिल जाते हैं व्हील्स, काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ में दिए गए। टर्न इंडिकेटर्स आपको फेंडर्स पे मिलेंगे एंड साइड में आपको यहाँ पे, पहले बुलेट वाले को जाने देते हैं। हाँ तो साइड प्रोफाइल में आपको यहाँ पे प्लास्टिक के विलासिस और प्लास्टिक की साइड क्लैडिंग भी दी गई है। यहाँ पे आपको IMT की बैजिंग मिल जाएगी एंड जो ORM से वो आपको यहाँ पे बॉडी क्लड मिल जाएंगे और डोर हैंडल्स भी यहाँ पे बॉडी क्लड ही दिए गए। A और C+ भी यहाँ पे बॉडी क्लड ही मिल जाएंगे और जो B+ है वो आपको यहाँ पे मैट फिनिश में दिया गया। और अभी बैक प्रोफाइल की बात करें तो बैक प्रोफाइल से भी काफ़ी बढ़िया स्टाइलिश लुक देखने को मिल जाता है। जो बैक प्रोफाइल की डिज़ाइन है वो भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव देखने को मिल जाएगा। टेल लैंप्स की बात करें, टेल लैंप्स आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी मिलते हैं बट हाँ काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स और रिवर्स पार्किंग लाइट भी रिफ्लेक्टर भी मिलेगी बट हाँ ये स्प्लिट टाइप दिएगा, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन में मिल जाता है आपको टेल लैंप्स भी। नीचे आपके यहाँ पे सोनेट की बैजिंग मिल जाएगी, यहाँ पे आपको किया का लोगो मिल जाता है और बूट ये विंडशील्ड के ऊपर आपको यहाँ पे वाइपर एंड डिफोगर नहीं दिए गए, हालांकि आपको यहाँ पे कुछ ग्लोस ब्लैक फिनिश जरूर मिल जाएगी। साइड में ऊपर आपको यहाँ पे LED बेस्ड हाई स्टॉप लैम्प मिल जाता है एंड नीचे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे और रियर बम्पर के ऊपर भी आपको यहाँ पे स्किड प्लेट मिल जाएगी और बम्पर के ऊपर आपको यहाँ पे दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। दो क्यों दिए वैसे ये सोचने की बात है, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी है और प्राइस भी ठीक ठाक है, मतलब काफ़ी बढ़िया प्राइस के हिसाब से आती है, फिर भी यहाँ पे दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए हैं। बूट स्पेस की बात कर लेते हैं अब। हाँ तो बूट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक बटन मिल जाएगा और बूट डोर के ऊपर आपको यहाँ पे प्लास्टिक इंसुलेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आपको डोर क्लोज करने के लिए स्पेस मिल जाता है इसको पकड़ने के लिए। एंड बूट स्पेस की बात की जाए तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ की बूट स्पेस देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ही बड़े साइज़ की और पूरी यहाँ पे क्यूबॉइड की शेप में मिलती है। मतलब ये कहना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे जो सस्पेंशन के कटआउट है वो कुछ ज़्यादा बाहर को नहीं निकले, तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मैनेज किया गया उनको। यहाँ पे आपको हुक मिल जाएगा एक और कुछ है नहीं, पासर ट्रे नहीं दी गई आपको इस वेरिएंट में। और जो सेकंड रो सीट है वो यहाँ पे बेंच फोल्डिंग है, हालांकि 3 हेडरेस्ट मिले जाते हैं उसके बाद में करेंगे। और स्पेयर व्हील की बात कर लेते हैं, स्पेयर व्हील आपको यहाँ पे वो भी स्टील में मिल जाता है सेम साइज़ का ही। सो चलिए अब हम देख लेते हैं सोनेट का इंटीरियर। सो आपको यहाँ पे ऑल ब्लैक इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। अभी डोर पे दिए गए कंट्रोल्स की बात करें तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ORMs के कंट्रोल। ORMs आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं लेकिन ये रिट्रैक्टेबल नहीं दिए गए इलेक्ट्रिकली, हाथ से तो आप कर ही सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे लॉक अनलॉक बटन, यहाँ पे ऑल पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं बट यहाँ पे किसी ने भी आपको ऑटो ओपन डाउन फीचर का सपोर्ट नहीं मिलता। यहाँ पे आपको मिल जाए चाइल्ड लॉक बटन, डोर पकड़ने के लिए स्पेस, डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश में मिलेंगे एंड नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बोतल होल्डर एंड कुछ स्पेस। ऑल्सो आपको यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर भी दिया गया और आपको यहाँ पे स्पीकर मिल जाएगा। डैशबोर्ड के ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ट्रैक्शन कंट्रोल बटन, आइडल इंजन स्टार्ट शो बटन और हेडलैम्प टेलिंग स्विच। इसको यूज़ करना सीख लो, हेडलैम्प टेलिंग स्विच को।
एंड एसी वेंट्स के अराउंड आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिलेगी और नीचे आपको यहाँ पे डेड पैडल मिल जाता है। और अभी स्टेयरिंग व्हील की बात करें, स्टेयरिंग व्हील आपको यहाँ पे 3 स्पोक मिलेगा और स्टेयरिंग व्हील के ऊपर आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश में मिल जाती है। स्टेयरिंग की एडजस्टमेंट्स में आपको यहाँ पे सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट देखने को मिलेगी और स्टेयरिंग के लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे मिलेंगे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स, राइट साइड आपके यहाँ पे MID के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और एक कंट्रोल्स आपको यहाँ पे ग्लोज ब्लैक एंड कुछ सिल्वर फिनिश के साथ मिलेंगे। सेंटर में आपको यहाँ पे किया का लोगो मिल जाता है। क्लस्टर की बात की जाए आपको यहाँ पे डिजिटल क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड आपको मिल जाएगा टैकोमीटर, बीच में MID और स्पीडोमीटर और राइट साइड आपको यहाँ पे फ्यूल गोज एंड कूलेंट टेम्परेचर मिल जाते हैं। जो आपको ये सेंटर का पार्ट देखने को मिलता है, ये जो सिल्वर पार्ट है इसके अंदर, मतलब जो ये सेंटर का पार्ट है थोड़ा सा अपर को है, मतलब ऊपर को लिफ्टेड है, तो ये थोड़ा सा 3D इफेक्ट देता है इसको, मतलब काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। ठीक है, मतलब काफ़ी बढ़िया देखने में लगता है ये क्लस्टर, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन किया गया इसको। स्टेयरिंग के लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे वाइपर्स के कंट्रोल और राइट साइड आपको यहाँ पे हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। अभी इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो आपको यहाँ पे बिल्कुल बेसिक डिज़ाइन में दिया गया इंफोटेनमेंट, ये मतलब स्क्रीन नहीं मिलती आपको, बट हाँ मतलब बेसिक तो है, बट ये आपकी नीड को ज़रूर पूरा कर देगा, आपके गाने सुनने की चाह को। यहाँ पे आपको सेंटर मिल जाएंगे AC कंट्रोल्स, ऊपर आपको यहाँ पे हेजार्ड लैंप बटन मिल जाता है और जो AC कंट्रोल्स से ऊपर आपको फैन स्पीड के कंट्रोल्स मिलेंगे यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मोड्स एंड राइट साइड आपको यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल दिए गए, हालांकि ये ऑटोमेटिक AC नहीं, बट हाँ यूनिट दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डिज़ाइन किया गया इस यूनिट को, ये आप देख सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाता है सेंटर कंसोल में फ़ोन रखने के लिए, या आपको यहाँ पे 2 स्पेस मिल जाते हैं देखने में, मतलब फ़ोन रखने के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी बड़े साइज़ के फ़ोन भी यहाँ पे आसानी से आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको 12 सॉकेट मिल जाएगा, एक दो USB पोर्ट मिल जाते हैं, जो कि एक चार्जिंग वाला और एक सिंपल है। इसके अराउंड आपको यहाँ पे सेंटर कंसोल में आपको ग्लोज ब्लैक फिनिश मिल जाती है और जो गियर लीवर दिया गया इसके ऊपर आपको यहाँ पे किसी भी टाइप की फिनिश देखने को नहीं मिलेगी इसके ऊपर, हालांकि जो इसके अराउंड यहाँ पे है, मतलब ये आपको कुछ सिल्वर फिनिश मिल जाती है। 6-स्पीड मैनुअल का यूज़ किया गया है सोनेट में और सेंटर कंसोल में आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेस दिया गया, हालांकि स्पेस को आप यूटिलाइज़ कैसे करेंगे वो आपकी मर्जी है, बट यहाँ पे आप फ़ोन रख सकते हैं आराम से, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाती है, जिसकी टिप आपको यहाँ पे प्लास्टिक में ही है, मतलब कुछ ज़्यादा इसमें कुछ फिनिश का नहीं किया गया यहाँ पे यूज़। और सेंटर कंसोल में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाता है, आर्मरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का दिया गया और ये स्लाइडिंग नहीं है। और यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाता है इसके अंदर, वेल काफ़ी बढ़िया आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है आपको, किसी भी एंगल पे आप सेट कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे आपको रूफ में, मतलब ऊपर मैनुअल डिमिंग एयर भी मिल जाता है, सनग्लास होल्डर दिया गया है और यहाँ पे 2 माइक इंस्टॉल्ड है, मतलब कॉल वगैरह के लिए, और 2 लाइट मिल जाती है आपको यहाँ पे, जो कि दोनों ही हेलोजन बेस्ड हैं। एंड सनवाइज़र के ऊपर यहाँ पे वैनिटी मिरर दिया गया, और सनवाइज़र कुछ इतना ब्लॉक कर पाएगा विंडो को, मतलब ठीक है डिसेंट ब्लॉक कर लेता है विंडो, ज़्यादा भी यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ता। ऊपर आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड टिकट होल्डर मिल जाता है एंड जो ग्लव बॉक्स है यहाँ पे काफ़ी बढ़िया साइज़ का देखने को मिल जाता है। ग्लव बॉक्स में आपको यहाँ पे मैनुअल्स वगैरह मिल जाएंगी, काफ़ी बढ़िया स्पेस देखने को मिल जाता है आपको ग्लव बॉक्स में, फोकस नहीं था क्या ये, हाँ तो स्पेस आपको यहाँ पे डिसेंट देखने को मिल जाएगा। जो डैशबोर्ड है वो आपको पूरा ही हार्ड प्लास्टिक में देखने को मिल जाता है। और अब सीट्स की बात की जाए, फ्रंट सीट्स के एडजस्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे। जो कोड ड्राइवर सीट है वो आपको 6 वेज एडजस्टेबल मिल जाती है, हालांकि जो ड्राइवर सीट है उसमें आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट का फीचर भी मिल जाएगा, तो ये ड्राइवर सीट आपको यहाँ पे टोटल 8 वेज एडजस्टेबल मिल जाती है। और अब रियर डोर पे दिए गए फीचर्स की बात की जाए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा पावर विंडो कंट्रोल, डोर पकड़ने के लिए स्पेस, सिल्वर डोर हैंडल मिल जाते हैं, नीचे आपको यहाँ पे बोतल होल्डर एंड स्पेस मिल जाएगा और यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है। और अभी गाड़ी में दिए गए कैबिन स्पेस की बात की जाए तो आपको यहाँ पे डिसेंट अमाउंट ऑफ कैबिन स्पेस देखने को मिल जाता है और यहाँ पे जो लेग रूम एंड नी रूम है वो भी डिसेंट दिए गए और थाई सपोर्ट भी आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको दिया पैसेंजर्स के लिए 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं, नीचे आपको एक USB पोर्ट मिल जाएगा जो कि चार्जिंग वाला है और यहाँ पे कुछ स्पेस भी दिया गया। रूफ में ऊपर आपको यहाँ पे लाइट मिल जाती है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है, ये सीट्स के हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं, तीनों ही हेडरेस्ट यहाँ पे एडजस्टेबल मिलेंगे और सेंटर वाले पैसेंजर के लिए भी यहाँ पे हेडरेस्ट दिया गया, तो यहाँ पे जो शोल्डर रूम है वो भी काफ़ी बढ़िया है, तो यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं कंफर्टेबली।
और अभी गाड़ी में देखा इंजन की बात की जाए तो आपके यहाँ पर मिल जाता है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन। ये इंजन प्रोड्यूस कर देता है 82 BHP पावर एंड 115 Nm ऑफ टॉर्क। ऊपर आपको यहाँ पे बोनेट इंसुलेटेड नहीं मिलता। वेल यही सब था गाड़ी में बताने के लिए, और कुछ बाकी रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं एंड चैनल पर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।